तो बैठ जाओ अपने स्थानों पर और आत्मा में खड़े रहो खुदा के साथ, आज की इस ब्लेस्ड मीटिंग को सुनने, समझने, बढ़ने और जीवन पाने के लिए। आमेन। इसीलिए आंखें बंद करो और प्रार्थना करो अभी आप सारे लोग कि आज की ये मीटिंग, आज जो खुदा के पास है हम, उसके चरणों में हम, परमेश्वर हमारी और बुद्धि को खोले, हमें समझ दे ताकि हम इन वचनों को पकड़कर आगे बढ़ सकें और ब्लेस हो सकें। विश्वास करो और मांगो परमेश्वर से बुद्धि और समझ को, और प्रार्थना करो खुदावंद के सामने। वो खुदा महान है, वो आपको बरकत दे रहा है, आपको छू रहा है, आपके मनों को खोल रहा है। परमेश्वर खुद भी अपने शब्दों को, अपनी मन की बातों को उसके सामने रखो कि परमेश्वर आज मेरी इच्छा के अनुसार वचन दे, जो मैं चाहता हूँ मुझसे बात कर, जो कंफ्यूज हैं, जो किसी भी तरह की सोच में पड़े हैं वो कहो परमेश्वर को कि आज मेरा उत्तर दे और मुझे ब्लेस कर, मुझे आगे बढ़ा, मुझे समझ दे, क्योंकि तेरा वचन जीवन का आधार है, तेरा वचन ही चानन है, तेरा वचन ही जीवन है। ए सर्वशक्तिमान खुदावंद, रखो अपने मन से, बोलो मुंह से परमेश्वर के सामने। लुब्रू सखना मम बब 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 लिब्रे सोर नम बब 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 सब 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 रखो, थोड़ा थोड़ा हाथों को हिला कर रखो। यस 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 हाँ यस, रखो उसके सामने अपनी बात को, खुदाबंद के सामने रखो, वो तुम्हें सुन रहा है। उसने कहा मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हें बड़ी बड़ी कठिन बातों को बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। तो वो सर्वशक्तिमान खुदावंद तुम्हें छू रहा है, तुम्हें कठिन बातें बताने वाला है, तुम्हें आशीष कर रहा है, तुम्हें ब्लेस्ड कर रहा है, तुम्हारी बुद्धि को खोल रहा है। बाइबल में लिखा जो कुछ हम मांगते हैं हमें मिलता है। अगर कलीसिया तुम विश्वास से मांग रहे हो, बाइबल में लिखा जब तुम मांगते हो तो विश्वास से मांगो। बाइबल में लिखा जब तुम मांगते हो तो विश्वास से मांगो, क्योंकि विश्वास से जब तुम मांगते हो वो तुम्हें मिलता है, वो तुम्हें मिलता है, और खुदावंद तुम्हारी प्रार्थना को सुन रहा है और तुम्हारे लिए उत्तर दे रहा है। आज मेरे मुख को वो यूज कर रहा है, जैसे मूसा के मुंह को यूज किया और इजराइलियों को ब्लेस किया, इजराइलियों को छुड़ाया, उन्हें जीवन दिया। आज खुदावंद मेरे मुख को यूज कर रहा है और तुम्हें ब्लेस कर रहा है और ब्लेस करने वाला है। तुम आगे बढ़ने वाले हो, जो भी तुम चाहते हो उसके सामने रखो, रखो उसके सामने विश्वास के साथ कलीसिया, और विश्वास के साथ टच हील हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ। हर कंफ्यूजन तुम्हारी आज जाए, हर हालात तुम्हारी जिंदगी से टूटे, बंद मार्ग खुल जाए, खुदा की सामर्थ तुम्हारे जीवनों में हर समय काम करे, उसकी सामर्थ तुम्हारे जीवनों में हर समय काम करे। तुम बढ़ते जाओ, ब्लेस होते जाओ, उसकी आशीष तुम्हारी जिंदगी में ठहरे। हर कंफ्यूजन, कंफ्यूजन का आत्मा तुम्हारी जिंदगी से जाता रहे, जाता रहे, जाता रहे, हर रुकावट तुम्हारी जिंदगी से जाए। मेरा विश्वास है आज आपकी जिंदगी में खुदावंद बहुत स्पेशल करेगा, खास करेगा। वो खास करने के लिए ही तुम्हें परमेश्वर ने चुना है। उसने कहा तुम मेरी निज प्रजा हो, तुम मेरे खास लोग हो, तुम मेरे पवित्र लोग हो,
उसने कहा मैं तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ूंगा, उसने कहा मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, तुम्हें संभालूंगा। उसका वायदा कभी बदल नहीं सकता, उसका वचन कभी बदल नहीं सकता। वो सच्चा परमेश्वर है, वो वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो काम करने वाला परमेश्वर है। वो तुम्हें चुना है, उसने अंधकार से अपनी ज्योति में बुलाया है, तुम्हें ब्लेस करने के लिए, तुम्हें ऊंचा करने के लिए, तुम्हें शांति देने के लिए, तुम्हें जीवन देने के लिए, तुम्हें चंगा करने के लिए। वो खुदा तुम्हें छू रहा है, तुम्हारी प्रार्थना को सुन रहा है, वो तुम्हारे साथ वो कर रहा है जो तुम चाहते हो। तुम्हारी हर रुकावट को वो तोड़ रहा है, वो हर चीज तुम्हारी जिंदगी से आउट कर रहा है जो गलत है, जो परमेश्वर को भाता नहीं, जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। वो मन, वो बातें, वो चीजें तुम्हारी जिंदगी से दूर कर रहा है और तुम्हें अपने स्वरूप में बदल रहा है, अपने स्वभाव में बदल रहा है, अपनी इच्छा को तुम्हारे अंदर डाल रहा है ताकि तुम उसके लिए जियो, ताकि तुम उसके लिए बढ़ो। वो ऐसा कर रहा है, तुम्हें छू रहा है, तुम्हें ब्लेस कर रहा है, ऐसा कर चुका है यीशु नाम से। टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट, आमेन। जोर से बोलो आमेन। और जितनी बातें तुमने परमेश्वर के सामने रखी है, मेरा खुदा उन्हें पूरा कर चुका है यीशु नाम से, आमेन। आज बाइबल का एक वचन तुम्हें पढ़ाता हूं, ये योहन्ना की पुस्तक में हमें मिलेगा, ये 14 का है, 14:27 में ऐसे लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। हालेलुया। इस वचन को जब मैंने पढ़ा तो इस वचन पर आप आज ध्यान दो। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, वो शांति जो मैं तुम्हें देता हूं वो संसार नहीं दे सकता। हालेलुया। आंखें खोलो फिर से, और फिर से आंखें खोलकर वचन सुनो, पूरा ध्यान देख, क्योंकि एक बात याद रखना, अगर हमारी जिंदगी में सुस्ती है, आलस है, तो नेगेटिविटी काम कर रही है। अगर हमें वचन सुनते टाइम नींद आती है तो नेगेटिविटी काम कर रही, अगर हम प्रार्थना करते नींद आती है तो नेगेटिविटी काम कर रही, अगर हम बाइबल पढ़ने के टाइम नींद आती है तो नेगेटिविटी काम कर रही। क्या नेगेटिविटी को काम करने देना चाहिए? नहीं, उसे डांटो, यीशु नाम से दफाओ मेरे जीवन, तेरा कोई अधिकार नहीं, तू खुश नहीं, यीशु नाम से आउट। मैं ब्लेस, मैं खुदा का बच्चा हूं, मैं खुदा की बेटी हूं, मैं खुदा का बेटा हूं, मैं चुना गया हूं, मैं ज्योति हूं, मैं आगे बढ़ने के लिए, ऊंचा करने के लिए, खुदा का कलाम, उसकी इच्छा पूरा करने के लिए। जब तुम थोड़े से तगड़े हो जाओगे, बाइबल में भी लिखा ना, तगड़े हो जाओ, बलवंत हो जाओ, तुम्हें परमेश्वर ने कहा है यीशु मसीह को विश्वास करने के बाद तुम्हारे मुंह के शब्द काम करते हैं, ये बात शैतान भी जानता है, इसीलिए वो सिचुएशन पैदा करता है तुम्हारे मुंह के शब्दों को बगाड़ने के लिए। और हम बहुत बार अपने मुंह के शब्दों को बगाड़ कर बोलते हैं, कई बार हम बड़ी चीजें गलत बोलते हैं, पास्टर्स भी बोल देते हैं, क्योंकि सिचुएशन क्या करती है, हमारे मुंह के शब्दों को बिगाड़ देती है। और सिचुएशन लाता कौन है? शैतान। जब भी हालात आते हैं, जब भी कुछ चीजें आपके सामने खड़ी होती है, अंगीकार करो, धन्यवाद करो, मेरे लिए नहीं, मैं ब्लेस्ड हूं, मैं चुना गया हूं, मेरे लिए अच्छा, मेरे लिए बेस्ट। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ये क्या कह रहा है, मैं तुम्हें वो शांति दूंगा, जब तुम बीमार होगे तुम्हारी बीमारी को दूर करके तुम्हें शांति दूंगा, जब तुम्हारे घर में क्लेश होगा तब मैं तुम्हें शांति दूंगा, जब तुम कर्जे के नीचे होंगे
मैं कर्जा तुम्हारा उतारूंगा और तुम्हें ब्लेस करके तुम्हें शांति दूंगा। जब तुम्हारे सब रास्ते बंद होंगे मैं खोलूंगा और तुम्हें शांति दूंगा। अगर तुम पास्टर हो, तुम्हारी सेवा नहीं चलती, तुम्हारे खर्चे पूरे नहीं होते, तो मैं तुम्हारे वो सारे खर्चे पूरे करूंगा, लोगों को खड़ा करूंगा, वो बोएंगे, सब कुछ अच्छा होगा और मैं तुम्हें शांति दूंगा। हालेलुया। ये किसने कहा मैं तुम्हें शांति दूंगा? शांति देने का मतलब बस एक पॉइंट है, सिर्फ शांति। शांति का मतलब मैं हर विषय में, जहां तुम प्रॉब्लम में होंगे, जहां तुम दुख में होंगे, जहां तुम हालात में होंगे, जहां तुम मुश्किल में होंगे, वहां मैं तुम्हें उस हालात से, मुश्किल से निकालूंगा, परेशानी से निकालूंगा और तुम्हें शांति दूंगा। और संसार वो शांति नहीं दे सकता। 1,00,000 रास्ते पर चले जाओ, वो तुम्हारे साथ नहीं हो सकता, तुम्हारा टाइम खराब होगा, क्योंकि जीवित परमेश्वर सिर्फ एक ही है, खुदा एक ही है। लेकिन एक टाइम तक वो तुम्हारे मन को डंप करने की कोशिश करेगा शैतान। हालेलुया। मैंने कई लोगों को देखा, कुछ लोगों ने यहां आए, कुछ टाइम कुछ नहीं हुआ, फिर उनका मन खराब होने लगा, फिर वो पीछे जाने लगे। मैंने टीम को बताया उनसे मिलो, उन्हें बुलाओ, फिर वो बने, और जितने हमारी बात सुनकर बन गए, आज वो फ्री है, आज उनकी जिंदगी में शांति है। और जो और पाना चाहते हैं शांति को, जीवन को, आज के वचन को पकड़ कर रखना, खुदा तुम्हारी जिंदगी को ऊंचा करने वाला है, ब्लेस करने वाला है, क्योंकि उसकी उसका एक भी वचन बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, पुराना नियम, नवा नियम, सारी बाइबल जब तुम पढ़ोगे तो वहां पर कुछ ऐसी बातें होंगी जो तुम्हारी समझ से बाहर होंगी। लेकिन एक बात याद रखना, जो वचन तुम्हारी समझ से बाहर है उसको यहां आकर सीखना, उनके लिए मन खराब मत करना या अपनी मर्जी से उनका मतलब मत सोचना। क्योंकि अगर तुमने अपनी मर्जी से उसको विश्वास किया, इसका मतलब ये, तब भी काम खराब हो सकता है। जो तुम्हें आत्मा से सही समझ आए उसे अपने जीवन में ले लो, जो नहीं समझ आए उसे छोड़ दो और आगे बढ़ते जाओ। हालेलुया। मैं तो ये जानता हूं, वचन एक भी तुम्हारी जिंदगी में है ना, तुमने एक भी वचन पर पकड़ कर रखा है, कौन सा? परमेश्वर मेरे साथ, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, तब भी तुम बड़े ब्लेस हो जाओगे। एक वचन से भी अगर तुमने छोड़ा नहीं तो पकड़ कर रखा, वो है, वो मेरे साथ है, वो महान है, वो सामर्थ्य है, वो ताकतवर है। अगर तुमने इस बात को छोड़ा नहीं, अगर एक सूखे हाथ वाला अपना हाथ नया ले सकता है, एक जन्म का लंगड़ा बाइबल के अंदर उठकर चल सकता है, इस समय तुम लोग कौन हो? तुम्हें खुद की भी पहचान होनी चाहिए। बाइबल में लिखा, जिन लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया वो अब यीशु मसीह में कौन है? तुम परमेश्वर की संतान हो। ये पता नहीं है मसीह में कौन है। याद रखना, शैतान को तुमसे ज्यादा पता है, वो जानता है ये मसीह है। ये मसीह में अब यीशु मसीह पर विश्वास करके मसीह के द्वारा अभिषेक हो चुके हैं, ठहराए जा चुके हैं परमेश्वर के बेटे बेटियां। हालेलुया। इसीलिए हमें मसीह कहते हैं, हम मसीह में मसीह हैं, वही सेम अभिषेक, ठहराए हुए, चुने हुए। परमेश्वर ने हमें अपना बेटा बेटा बनाने का, बेटा बेटी बनाने का आत्मा दिया, ताकि हम उसकी क्या बने? संतान बने। अध्याय 19 से पढ़ाता हूं, निर्गमन की बुक से कुछ बातों को हम पढ़ेंगे, 10 से शुरू करेंगे, ठीक है? कैसे लिखा? 10 से, तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना, और वह अपने वस्त्र धो लें, और वह तीसरे दिन तक तैयार हो जाएं, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सीने पर्वत पर उतर आएगा,
और तू लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना और उनसे कहना, तुम सचेत रहो कि पर्वत पर ना चढ़ो और ना उसकी सीमा को भी ना छुओ, और जो कोई पहाड़ को छुए वह निश्चय मार डाला जाएगा, उसको कोई हाथ में उसको कोई हाथ से ना छुए छुए जो छुए उस पर पथराव किया जाएगा, जहाँ उसे तीर से छेदा जाएगा, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य, वह जीवित ना बचे। जब महाशब्द वाले नरसिंह का शब्द देर तक सुनाई दे, तब लोग पर्वत के पास आए। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? आगे में क्या लिखा है? तब मूसा ने पर्वत से उतरकर लोगों के पास आकर उनको पवित्र कराया और उन्हें अपने वस्त्र धो लिए, और उसने लोगों से कहा, तीसरे दिन तक तैयार हो जाओ। और आगे 16 में लिखा, तब तीसरा दिन आया, तब भोर होते ही बादल गरजने लगा और बिजली चमकने लगी। तो अगर तुम इसको और पढ़ोगे, सुनो, तो ये वचन बड़ा समझ देता है हमें पुराने नियम की और नए नियम की। आग के रूप में, बादल के रूप में, ये फिजिकल रूप दिखाया ना परमेश्वर ने अपना, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। तो परमेश्वर ने मूसा को कहा कि लोगों को बता कि जब मैं पहाड़ पर उतरूं तो उस पहाड़ के आसपास क्या कर देना, बाड़ा, ना एक बाउंड्री बांध देनी है। उस बाउंड्री से आगे पहाड़ के किनारे को भी छूना नहीं है, ना उसे छूना। अगर कोई छुएगा, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, या तो पत्थर मार के मार दिया जाएगा या तीर से उसको छेद दिया जाएगा। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है? इसका मतलब परमेश्वर इतना पवित्र था, इतना पवित्र है आज भी, हमेशा युगानुयुग। पापी मनुष्य का उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं, कोई रिश्ता नहीं पापी मनुष्य का। और बाइबल कहती, सारा जगत पाप से पैदा हुआ, मैं और तुम। लेकिन वो लोग परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के उपस्थिति के पास भी अपने आप को छू नहीं सकते थे, शारीरिक थे, पापी थे, इसीलिए ऐसा ज्ञान था। हालेलुया। लेकिन अब अगर परमेश्वर की दया को समझो, उसके अनुग्रह को अगर समझो, तो तुम्हें धन्यवाद करना ना छोड़ोगे, अगर तुम्हें ये बातें समझ आ जाए। हालेलुया। इसीलिए पुराना नियम हमारे लिए बेस है, नया नियम हमारे लिए वो बेस है, और ये बिल्डिंग बन गई है। हालेलुया। ये बड़ी ऊंची इमारत बन चुकी है नया नियम। अब पकड़ कितनी है तुम्हारी खुदा के साथ? लेकिन मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाता हूं यहां से। हालेलुया। हाँ, ये वचन हमारे लिए बहुत बड़ा है। इसको मैं पढ़ूंगा आपके लिए अफिसियों में से 3 अध्याय में अफिसियों का एक वचन पढ़ेंगे, और यहां से हम एक बड़े पॉइंट को सीखेंगे आपके लिए। अगर हम 3:7 से लगातार पढ़ें 12 तक, तो क्या लिखा है देखो। वचन में लिखा, मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया। हालेलुया। तुम्हें यह समझना होगा, परमेश्वर का अनुग्रह जो पूरे संसार पर हुआ है। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? ये बड़ा विषय है परमेश्वर का अनुग्रह। अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर से पढ़ते हैं 3:2 से, तो ऐसे लिखा, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात कि यह वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूं, जिसे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मसीह का वह भेद
कहां तक समझता हूं, मतलब वो कहता है मैं कहां तक पहले समझता था जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। हालेलुया। शे में लिखा क्या, अर्थात ये के मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति हर एक इंसान मीरास में सांझी हो, एक ही देह और प्रतिज्ञा के भागी हो। हालेलुया। ये वो भेद की बातें हैं, वो जीवन की बातें हैं जिन्हें तुम्हें डीपली और समझना होगा। अगर हम वचन सुन रहे हैं सिंपल और सुनने के बाद बस जा रहे हैं आ रहे हैं, फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे उतना अच्छे से। लेकिन इसको मैं और पढ़ता हूं, यहां तुम्हें मैंने जब पढ़ाया तो प्रेरित पॉल कहता परमेश्वर का वो अनुग्रह का प्रबंध जो मुझे सुसमाचार, जो सुसमाचार के द्वारा तुम्हारे लिए मुझे दिया गया और प्रकट किया गया। सुनो तो देखो, मेरी तरफ देखो, परमेश्वर का वो प्रबंध पूरी दुनिया के लिए, अनुग्रह का प्रबंध जिसमें मनुष्य जहां परमेश्वर बादल और आग में उतर रहा है पहाड़ के ऊपर मूसा को अपना वचन देने के लिए, उस पहाड़ के किनारे को भी नहीं सुना। मनुष्य की ये वो क्या कहते हैं लेवल था, ये यहां तक उसकी गिरा हुआ जीवन था कि परमेश्वर के वो लायक ही नहीं था। समझ आ रही है नहीं समझ आ रही आप? एक इंसान उस पहाड़ को भी नहीं छू सकता था, या फिजिकल रूप में परमेश्वर उतरेगा मूसा से बात करने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने एक दिन पूरी दुनिया के लिए ऐसा प्रबंध प्रकट किया जिसे आज दुनिया तो नहीं जानती लेकिन हम जानते हैं। अगर हम जानते हैं तो वो हमारे जीवन में कितना काम कर रहा है, हमारे जीवन में ये प्रबंध अनुग्रह का, पवित्र आत्मा का प्रबंध, कितना विश्वास से हमारे अंदर बैठा है जो परमेश्वर बात कर रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं, प्रेरित पॉल कहता वो समाचार जो मुझे तुम्हारे लिए दिया गया वो एक भेद था, प्रकाशन के द्वारा मेरे ऊपर प्रकट हुआ। मैं अब संक्षेप में तुम्हें बता चुका हूं, तुम पढ़कर इसे समझ सकते हो। पहले अन्य समयों में मनुष्यों के इसके बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह के बाद पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर यह प्रकट कर दिया, इसीलिए वो बातें कर रहा है। लेकिन साथ में लिखा 3:7, मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया उस समाचार का सेवक बना जो मुझ पर सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं। यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आद से गुप्त था। आमीन उच्च बोलो। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में हैं प्रकट किया जाए, उस सनातन मनसा के अनुसार जो परमेश्वर ने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। हालेलुया। वहां तो पहाड़ को भी नहीं छू सकते थे, लेकिन ये इतना बड़ा भेद प्रबंध आज से गुप्त था, लेकिन परमेश्वर अपने अगम्य धन को, उस महिमा को, उस ग्लोरी को तुम्हारे जीवनों के ऊपर प्रकट करना चाहता था और तुम्हारे जीवनों से प्रकट करना चाहता था। हालेलुया। और ये ज्ञान कलीसिया को सर्व नहीं हो रहा, और कलीसिया, अगर मैं ये ज्ञान दे रहा हूं तो बहुत सारी कलीसिया के पास नहीं है। इसीलिए वो कलीसिया क्या कर रही, विश्वास तो कर रही है, प्रभु में जी रही है,
विश्वास से भला हो रहा है, चमत्कार भी हर जगह हो रहे क्योंकि वो होने, लेकिन असल चीज अभी भी बाकी है। तुम सबसे ज्यादा खुदा की सामर्थ को प्रकट कर सकते हो, तुम सबसे ज्यादा अच्छी जिंदगी को जी सकते हो, और तुम्हारी अच्छी जिंदगी को लोग देखेंगे और खुदा की महिमा करेंगे। लेकिन इस ज्ञान से होगा, इस ज्ञान से, जैसे प्रेरित पॉल कहता है, वो कहता है ये अनुग्रह हुआ कि अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब में सबके ऊपर ये बात प्रकट करूं, प्रकाशित करूं कि ये जो प्रबंध है, भेद है, जो आज से गुप्त था, अब जो कलीसिया के द्वारा किनके ऊपर, विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्रधानों और अधिकारियों के ऊपर प्रकट किया जाए तुम्हारे द्वारा। जो शुरू से मैं तुम्हें पॉइंट समझा रहा था कि शैतान भी जानता तुम मसीह में कौन हो, तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे बोलने से क्या होगा, इसीलिए वो कंटिन्यू अपनी सेना को लेकर तुम्हें डाइवर्ट करता रहता है, तुम्हारे सामने सिचुएशन चीजों को दिखाता है ताकि तुम्हारा विश्वास परमेश्वर में अगर बना भी है लेकिन खराब रहे, राइट ना रहे, तुम्हारा राइट मुंह का अंगीकार राइट ना रहे, वो इसीलिए चीजें करता रहता है। लेकिन ये जो इतना बड़ा वचन है, ये जो आप दोबारा इसको 3 से लेकर 12 तक 3-4 बार घर में पढ़ना, फिर और तुम्हें समझ आ जाएगी परमेश्वर ने कितना बड़ा काम तुम्हारे लिए किया है। और अब हमें परमेश्वर पर, यीशु पर विश्वास करने के द्वारा निकट आने का क्या है, अधिकार है, खुदा के पास आने का। क्या पुराने नियम में यह अधिकार था? तुम जानते हो पुराने नियम में किसी भी विश्वासी के पास ना तो परमेश्वर की पावर काम करती थी और ना ही उनके पास आत्मा था। अगर परमेश्वर का आत्मा आता था तो भविष्यवक्ताओं के ऊपर आता था और बात करके वापस चला जाता था, उनके अंदर भी नहीं आता था क्योंकि अभी वो अनुग्रह नहीं हुआ था, वो यीशु मसीह की कुर्बानी, यीशु मसीह का पवित्र लहू इस पृथ्वी के लिए नहीं बहा था जिससे ये काम होना था। ये वचन थोड़ा डीपली है, संसार तो बिल्कुल नहीं समझ सकता, लेकिन हम लोग जो परमेश्वर के लोग हैं, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो तो तुम समझ सकते हो इस महान वचन को कि परमेश्वर यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं। हालेलुया। पुराने नियम में बहुत व्यवस्था थी, बड़ी बंदिश थी, बाउंडेशन थी, बहुत सारी ऐसी रीतियां सी, ऐसी शरीर की बातें थी, नए नियम की भी बातें थी, लेकिन ज़्यादातर परमेश्वर ने उन्हें शारीरिक चीज़ों में बांध कर रखा था पुराने नियम में, क्योंकि वो शारीरिक थे, वो आत्मिक चीज़ को अच्छे से ना समझते थे, ना उन्हें करना आता था। लेकिन अगर तुम लोग ध्यान दो, हालेलुया, आप जानते हो यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा कंप्लीट पैकेज है जो हमारे विश्वास से प्रकट होता है, सब कुछ, उद्धार, मोक्ष, चंगाई, छुटकारा, परमेश्वर की सामर्थ। अब जानते हो नए नियम में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं एक वचन तुम्हारे लिए पढ़ाता हूं, ऑफिसियों से पढ़ाऊंगा तुम्हारे लिए, इसको हम 1 से अगर पढ़ें, 17 से, तो ऐसे लिखा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें खुल जाए कि तुम जान लो कि उसके बुलाने की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हमें जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है? वचन में लिखा अब हम जो बुलाए हुए तुम्हारी आंखें खुल जाएं, जिनको परमेश्वर ने बुलाया है, तुम्हें वो ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे जिसे तुम्हारे ज्ञान और प्रकाश, ज्ञान से तुम्हारी मन की आंखें खुलेगी, किसी कपड़े तेल से नहीं, बोलो किसे नहीं, ज्ञान से,
परमेश्वर के इस ज्ञान से जो तुम्हें मैं दे रहा हूं, जिसे तुम्हें पकड़ना होगा, समझना होगा ये ज्ञान क्या है, परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है, परमेश्वर मेरे लिए क्या बात कर रहे हैं। अगर मैं उस ज्ञान को समझ पर परमेश्वर पर अपना राइट विश्वास करता हूं, तो मेरे मुंह के शब्द काम करने लगेंगे, सामर्थ प्रकट होने लगी। जो तुम्हारे साथ उल्टा पुल्टा हो रहा है वो सही होने लगेगा, ये नहीं है, ये जा चुका है, ये हो चुका है। लेकिन यहां पर बड़ा विषय है आप लोगों के लिए। बाइबल ये कहती है, प्रेरित पॉल कहता है, मैं परमेश्वर के सामने जाता हूं, प्रेयर करता हूं कि तुम्हें परमेश्वर अपने ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। ज्ञान में प्रकाशन होते हैं, ज्ञान में एक समझ होती है, उसको प्रकाश कहते हैं। वो तुम्हें अपने ज्ञान में वो प्रकाश वो समझ दे, जिससे तुम्हारे मन की आंखें खुल जाए। अगर तुम्हारे मन की आंखें खुलती है ज्ञान से, समझ से, तो तुम्हें राइट समझ आता है क्या करना है। अगर तुम्हारा मन सेट हो जाता है परमेश्वर के साथ, हालात कितना भी बड़ा क्यों नहीं, बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों नहीं, रोग कितना भी बड़ा क्यों नहीं, चाहे मस्कल डिस्ट्रोफिया क्यों नहीं है, जो दुनिया में इसका इलाज नहीं, 16 करोड़ का इलाज होता है मस्कल डिस्ट्रोफिया का, इस बीमारी का, वो भी टाइम पर, सही समय, उसके बाद दुनिया में कोई विकल्प नहीं, कोई कहीं से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन खुदा कर सकता है, वो सामर्थ्य है। वो अगर मुर्दे को जिंदा कर सकता है तो जिंदा बंदे को क्यों नहीं ठीक कर सकता, बोलो हालेलुया। लेकिन हमारा भरोसा कैसा है, हमारी समझ कैसी है, हमारा रिश्ता कैसा है। लेकिन यहां पर लिखा है कि तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम्हें जो उसने बुलाया है तुम्हें समझ आए, उस आशा जो यीशु मसीह में हमारी आशा है, उसके बुलाने में वो आशा, जो हमारी आशा किसने पूरी करनी है, आशा का दाता कौन है, खुदा परमेश्वर। और बाइबल में लिखा, सब पवित्र लोगों में उसकी महिमा का जो धन है कैसा है, उसकी महिमा का धन जो तुम विश्वास करते हो कैसा है। वचन में लिखा उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं, हालेलुया। आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर की सामर्थ कहां पर काम करती है, हमारे अंदर काम करती है, हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है, परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर काम करती है, हमारे विश्वास, हमारे भरोसे से, ना कि बाहर बॉडी पर कुछ लगाने से। बोलो, बॉडी के ऊपर लगाने से कोई सामर्थ काम नहीं करती, जितनी सामर्थ काम करती है हमारे अंदर से विश्वास करने से करती है। ये खुदा का कलाम कहता है, और हर विश्वासी के अंदर अब परमेश्वर का ऐसा प्रबंध है, हर विश्वासी के अंदर परमेश्वर की पावर काम करेगी, हर विश्वासी के अंदर। और जानते हैं ये पावर कैसे काम करती रहेगी, जब तुम चार्ज होते रहोगे, तुम संगति में बने रहोगे, तुम प्रार्थना में बने रहोगे, तुम लगातार मीटिंग में बने रहोगे, तुम बाइबल पढ़ते रहोगे, तुम प्रैक्टिकल करते रहोगे। और सबसे ज्यादा ये पावर तब काम करेगी तुम्हारे अंदर जब तुम संगति में बने रहोगे, सबसे ज्यादा तब, हालेलुया। अगर तुम संगति में लगातार बने रहे, तुम बने रहे संगति में, तुम दूर से आए हो, जाकर थर्सडे संडे हर रोज जो वीडियो डाल दें उसको सुनो, अपने आप को बना के रखो, अंगीकार करो, क्योंकि एक ही खुदा है, एक ही परमेश्वर है जिसने तुम्हें चुन लिया है। अब वो तुम्हें निराशा में नहीं रखेगा, आशा तुम्हारी पूरी करेगा और तुम्हें फलवंत करेगा, हालेलुया। मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाना चाहता हूं कुलसियों में, ये वचन ऐसे है, 1 का 9 में लिखा, इसीलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करते और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, हालेलुया, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। ये खुदा की इच्छा है। क्या है परमेश्वर की,
ये इच्छा है। तुमने जब परमेश्वर पर विश्वास कर लिया, सुनो देखो, जब तुमने परमेश्वर पर विश्वास कर लिया तो ये यहां से काम होता है स्टार्ट यीशु मसीह में। जिस दिन तुम यीशु मसीह में आए और यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिस दिन तुमने यीशु मसीह को पूरा जाना, उसे अपना माना कि वो प्रभु है, वो उद्धार करता है, उस दिन से सॉरी स्टार्ट होगी आपकी जिंदगी। कब होगी? तुम पहले दिन से ये करोगे, एक महीना, दो महीने, चार महीने के बाद तुम्हें समझ आती है। जिस दिन तुमने यीशु को ग्रहण करा कि वही सिर्फ उद्धार करता है, वही सिर्फ प्रभु है, बाइबल में लिखा आकाश के नीचे और मनुखों के बीच दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा तुमने उद्धार पाना है। ये बाइबल का वचन है जो तुम्हें किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। हालेलुया, ये इसी बाइबल में मिलेगा, जो वचन में लिखा आकाश के नीचे और मनुखों के बीच कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा तुमने उद्धार पाना है। सिर्फ एक ही नाम है, यीशु। जिस नाम से काम देख रहे हो, जिस नाम से काम ज्यादा हो सकते हैं, जिस नाम से सामर्थ ज्यादा प्रकट हो सकती है, जिस नाम से तुम बड़ी जिंदगी जी सकते हो विश्वास करके। लेकिन ये काम स्टार्ट होता है जिस दिन तुम ग्रहण करते हो, उसके बाद तुम्हारा जीवन स्टार्ट हो जाता है परमेश्वर की पहचान में बढ़ना, उसकी इच्छा की पहचान में बढ़ना। अगर तुम्हारी जिंदगी में यह फोकस नहीं है, प्रेरित पॉल कहता है मैं लक्ष्य को देखकर दौड़ता हूं, जो पीछे रह गया उसे नहीं देखता, जो चीजें इधर उधर है उन्हें नहीं देखता। आज मैंने तुम्हें क्यों कहा कि तीन दिन से खुदा ने मुझे एक वचन दिया है कि किसी के खिलाफ या किसी दास के प्रति कुछ बोलना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत दूर की बात है। उसके लिए भी कुछ नहीं बोलना आपने, जो आपका पड़ोसी है, जो गलत है, गलत काम करता है, नशा बेचता है, व्यभिचारी हो सकता है, उसको भी अपने मुंह से आपने कुछ नहीं कहना, बोलना परमेश्वर इसका भला करे, परमेश्वर इसको जाने। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? फिर देखो कैसे खुदा की पावर तुम्हारे अंदर काम करती है। ये पावर पुराने नियम में विश्वासियों के अंदर काम नहीं करती थी, ये परमेश्वर का आत्मा पुराने नियम में लोगों के लिए नहीं था, एक भविष्यवक्ता ही चला रहा होता था सबको, और बिलीवर कुछ नहीं करते थे, परेशान, दुखी, भटकते रहते थे। लेकिन अब नया नियम है, तुम खुदा की इच्छा में बढ़ सकते हो, तुम्हारे मुंह में जो शब्द तुम बोलोगे वो काम करेंगे, वो सामर्थ प्रकट करेगी। हालेलुया, कितनों को बात समझ आ रही है? अगर तुम चाहते हो कि ये पावर ज्यादा काम करे तो तुम ज्यादा ध्यान दो, ज्यादा मीटिंग अटेंड करो। आप दिल्ली से आते हो, महीने में एक बार आओ, 15 दिन में एक बार आओ, आकर देख लो। जो दिल्ली से आता हमारे पास, मान लो वो साल में 3 बार आता है, वो 15 बार आकर देखे यहां, तुम हैरान हो जाओ। सच्ची असर देखना उसकी जिंदगी के ऊपर, इस संगति का, प्रेयर का, मीटिंग का, परमेश्वर की हजूरी का जो यहां पर काम करती है। कितने लोगों को आज बात समझ आ रही है? तो तुम क्या चाहते हो? वो पावर मुझ में काम करे? वो पावर बाहर से आकर काम थोड़ी करनी है किसी मटेरियल के द्वारा, वो तुम्हारे विश्वास करने से काम करती है, वो तुम्हारे परमेश्वर पर भरोसा करके अंगीकार करने से काम करती है। वो है खुदा, वो कर चुका है, ये हो चुका है, ये मेरे लिए नहीं है। तुम जानते हो अगर तुमसे प्रेयर नहीं होती, तुमसे बाइबल पढ़ नहीं होती, तुम्हें लगातार संगति में रुचि नहीं बनती, तुम फ्री होते हो, थर्सडे आते हो, संडे नहीं आते, लेकिन संडे वाले मीटिंग नहीं देखते, इन सब बातों में तुम्हारा मुंह का अंगीकार काम करेगा। हालेलुया, मैं प्रेयर कर रहा हूं, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरी मन की आंखें खुल चुकी है, मुझे मेरे समझ में परमेश्वर के वचन बैठ चुके हैं, मेरी चाह तेज हो चुकी है, मैं खुदा के साथ बढ़ रहा हूं, मैं वचनों को, आज्ञाओं को मान रहा हूं,
ये हो चुका है, मेरा विश्वास बढ़ रहा है। मैं जब तुम तो ये बोलोगे, तुम करके देखना जो तुमसे नहीं होता। कुछ लोग करते ही नहीं, मुंह का अंगीकार। कुछ लोग जो सही करना है करना चाहते ही नहीं, ठीक ठीक आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। ठीक 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 है चल रहा है, ऐसा नहीं। तुम्हें खास बनना है, क्योंकि परमेश्वर में तुम बहुत बड़ा विषय हो इस दुनिया में। परमेश्वर पर विश्वास करने के बाद तुम नॉर्मल लोग नहीं हो, तुम एक बड़ा विषय हो, परमेश्वर की एक बड़ी योजना हो। तुम सब, तुम्हें परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करना है, उसने तुमसे सुसमाचार दिलवाना है, तुम्हें यूज करना है, तुम्हें भी ताकि लोग बचाए जाएं। अगर अगर तुम सिंपल अपने काम के लिए आते हो, किसके लिए आते हो? बस मेरा काम हो जाए तो हम बस स्वार्थी हैं। तुम्हें धन्यवाद देना है, मुझे परमेश्वर तुम्हारी हर आज्ञा पूरी करनी है, मुझे तुम्हारे साथ चलना है, तुम्हारी इच्छा को पूरा करना है, जैसा तुम चाहते हो वैसा करना है। जितने लोग हील हुए हैं, जितने लोगों के बड़े काम हुए, सोचो जब तुम बीमार थे, दुखी थे, क्या हालात थे। ऐसे हजारों लाखों तुम्हारे सामने, गुड न्यूज दो। लेकिन अभी तुम लोगों को ये बात आज पकड़नी होगी, परमेश्वर की पावर तुम्हारे अंदर काम करनी चाहिए कॉन्टिन्यू। पुराने नियम में लोगों के अंदर नहीं करती थी, और ये किसी मटेरियल के द्वारा नहीं करती, ये तुम्हारे विश्वास से काम करती, तुम्हारे आत्मिक उन्नति से काम करती है। इन दिनों में मेरा विश्वास है तुम ज्यादा बढ़ने वाले हो, ज्यादा उन्नति करने वाले हो। मेरा विश्वास है इन दिनों में खुदा आपकी जिंदगी में बड़े काम करने वाला है। हालेलुया। सत्य से अपनी कमर कसकर, हालेलुया, जो तुमने सच्चाई को जाना, परमेश्वर को समझा है, मेरी तरफ देखते रहो बस। जो सच्चाई आज तुमने जान ली है, उसी में अपनी कमर को कसकर रखने का मतलब अलर्ट रहना, चौकस रहना। क्योंकि सच्चाई जो तुमने जानी है, उसमें जरा सा भी आपका डाउट नहीं होना चाहिए, हल्का सा भी डाउट नहीं होना चाहिए, अगर तुमने सच्चाई को जाना है तो। हालेलुया।